हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 10,000 नए शिक्षकों के भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। मेरे बहुत सारे साथी व्याख्याता पद के लिए सिलेबस की जानकारी चाह रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में उनके ही जानकारी जो चाह रहे थे उनको साझा कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, व्याख्याता में हम सबसे शुरू देखेंगे आज के इस वीडियो में अंग्रेजी के सिलेबस की चर्चा करेंगे। एक एक करके मैं अलग अलग वीडियो में विषयवार जो सिलेबस है उनको बताऊंगा। दोस्तों, एक ही में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे व्याख्याता अंग्रेजी का जो सिलेबस है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी के पद हेतु जो पाठ्य योजना है, परीक्षा योजना है, सिलेबस है, ये जो सिलेबस है दोस्तों, कुल 150 अंकों का प्रश्न रहेगा, जिसमें आपका व्याकरण के अंतर्गत 40 अंक रखे गए हैं। अर्थात अंग्रेजी विषय है दोस्तों, तो अंग्रेजी व्याकरण में 40 अंक रहेंगे, शब्द सामर्थ्य में 40 अंक रहेगा, गद्यांश एवं पद्यांश जिसे हम प्रोज एंड पोयम कहते हैं दोस्तों, उसके 20 अंक रहेंगे। साथ ही साथ शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन शिक्षण साथ शैक्षणिक अभिवृत्ति से जो जुड़े प्रश्न हैं दोस्तों, 30 अंक के प्रश्न समाहित किए गए हैं। इसके अलावा आपका सामान्य हिंदी के 10 अंक, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के 5 अंक और सामान्य ज्ञान के 5 अंक रखे गए हैं। कुल 150 अंकों का प्रश्न पत्र व्याख्याता अंग्रेजी में रखे गए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिलेबस की हम बात करें अलग अलग विषयवार, तो ग्रामर में आपका टेंस रहेगा, वॉइस रहेगा, स्पीच रहेगा, क्लासेस रहेगा, एडवर्ब, क्लॉज, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, तमाम चीज़ें इसमें समाहित है। एग्रीमेंट है, पंक्चुएशंस है, एरर फाइंडिंग है दोस्तों, बहुत सारे हैं। वोकैबुलरी में भी आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स जैसे चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कंप्रिहेंशन में प्रोज और पोएट्री के अलग अलग प्रश्न आएंगे। शिक्षण शास्त्र में भी आपका प्रश्न है दोस्तों, जिसमें विषय की प्रकृति, शिक्षार्थी अन्वेषण है, उद्देश्य प्राप्य उद्देश्य है, अवधारणाएँ हैं। साथ ही साथ शैक्षणिक अभिवृत्ति में भी आपको विभिन्न विषय पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार से जो कुल है, कुल 150 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। शैक्षिक अभिवृत्ति में ज्ञान एवं सीखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षकों की व्यावसायिक विकास, रचनावादी शिक्षण से जुड़े प्रश्न रहेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की अध्ययन जो विधियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आकलन और मूल्यांकन का भी आप अध्ययन करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से जो कुल है, तो कुल 150 अंकों का प्रश्न रहेगा। सामान्य हिंदी में आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचनकाल, संज्ञा, सर्वनाम से जो जुड़ी चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे। रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियों से जुड़ी तमाम चीज़ें आपको इस विषय में पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर की भी जानकारी आप से मांगी जाएगी दोस्तों। अर्थात 150 का जो प्रश्न रहेगा उसमें तमाम जो विषय हैं उसको समाहित किया गया है। तो इस प्रकार का जो सिलेबस है दोस्तों, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए रखा गया है। दोस्तों, यदि आप भी व्याख्याता अंग्रेजी पद की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि शिक्षक भर्ती कभी भी जारी किया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर व्याख्याता के एक अलग सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।